Snow White and the Seven Dwarfs Once there was a princess whose skin was as white as snow. She had a cruel stepmother who had a magic mirror. Jealous of Snow White's beauty, the stepmother ordered Huntsman to kill her. But he was kind hearted, so he left Snow White in forest. Wandering through the forest, Snow White reached a cottage. Seven dwarfs lived there. On hearing her sad story, they asked her to live with them. One day the stepmother dressed like an old lady. And gave a poisonous comb to Snow White. When Snow White combed her hair, she fell down. The dwarf saved her. After a few days, the stepmother made Snow White take a bite from a poisonous apple. Snow White fell unconscious, unable to wake up. Wake her up. दट वॉज पोट हर इन अ क्रिस्टल कॉफिन वन डे अ प्रिंस ऑफर टू लेट हिस्स मैन कैरी द काफिन ऑन देअर वे द काफिन स्लिप्ड स्नो वाइट वॉक अप लिव हैप्पी एवर आफ्टर स्नो वाइट और सात बोने एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेजा थी वह बिल्कुल बर्फ जैसी सफ़ेद खूबसूरत थी उसकी एक जालिम सतीली माँ थी जिसके पास जादुई आईना था वो अक्सर जादुई आईने से पूछती कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है तो वो उसका ही नाम लेता लेकिन अब ऐसा नहीं था अब जब भी वो आईने से पूछती तो वो स्नो वाइट का नाम लेता उसकी सतीली माँ उसकी खूबसूरती से जलती थी और उसने एक शिकारी को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि स्नो वाइट को ले जाओ और उससे कत्ल कर दो लेकिन वो बहुत नरम दिल आदमी था और उसने स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया वो बेचारी जंगल में अकेले इधर उधर फिरती रही आखिरकार उसे एक झोंपड़ी नज़र आई जब वो अंदर गई तो वो सात बोनों का घर था उसने सात बोनों को अपनी कहानी सुनाई तो वो उसे अपने पास रखने लगे अब वो बोनों के साथ रह रही थी और बोने उसका बहुत ख्याल रखते थे और वो वहाँ पर खुश थी एक दिन उसकी सतीली माँ बूढ़ी औरत का बेस बदल कर जंगल जाती है और स्नो वार्ट को एक जहरीली कंगी देती है एक दिन उसकी सतीली माँ एक बूढ़ी औरत बन कर जंगल में जाती है और उसे एक जहरीली कंगी देती है स्नो वाइट उस जहरीली कंगी को अपने सर में फेरती है तो वो नीचे गिर जाती है तो बाद में बुरने आकर उसको बचाते हैं कुछ दिनों के बाद उसकी सतीली माँ फिर दोबारा आती है और उसके लिए एक सेब लेकर आती है और उसको खिलाती है वो सेब खाकर स्नो वाइल्ट फ़ौरन बेहोश हो जाती है उस सेब का एक नवला खाते ही उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो कभी उठ ही नहीं पाती ने बहुत कोशिश करते हैं उसको उठाएं उसको जगाएं लेकिन वो कभी भी उठती नहीं है आखिरकार वो तंग आकर उसके लिए एक क्रिस्टल का ताबूत बनवाते हैं और उसके अंदर उसको डाल देते हैं और उसको रख देते हैं एक दिन उस जंगल से एक शहजादे का गुज़र होता है और वह स्नो वर्ल्ड को उस ताबूत के अंदर देखता है तो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस ताबूत को अपने साथ ले चलो जब वो लेकर जा रहे थे तो ताबूत उनको हिलता हुआ महसूस होता है वो देखते हैं कि स्नो वर्ल्ड जाग गई है वो शहजादा उसे अपने महल ले जाता है फिर वह हमेशा शहजादे के साथ उसके महल में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती है